हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छविज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत टाइम बाद मैं कोई हॉल वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास स्टफ तो काफ़ी सारा आके पड़ा हुआ था ऑलरेडी, बट कुछ टाइम ना होने की वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी। तो मैंने डे बाई डे अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसपे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल वीडियो। जी हाँ, मैंने मीशो से कुछ ज्वेलरी सेट्स मंगवाए थे, उसमें कुछ इयररिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको उसमें हेयर के लिए देखने को कुछ मिलेंगे। तो ये मतलब पूरा एसेसरीज हॉल वीडियो होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट वीडियो तब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो ज्वेलरी है मेरे पास यहाँ पे, मैंने कुछ एडी के भी जो होते हैं स्टोन्स वाले जो ज्वेलरी होते हैं वो भी मंगवाए थे, कुछ इयररिंग्स भी मैंने इसमें मंगवाई है। तो फर्स्ट ज्वेलरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह की है। मैं इन सबकी वहाँ पे साइड में पिक्चर लगाती चलूँगी तो आप लोग इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है इसकी प्राइस वगैरह सब चीज़ों की मैं आगे आपको बताऊँगी। ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा ये चोकर सेट है, गले में एकदम अच्छे से जाके फिट हो जाएगा। पीछे आपको इसमें चेन देखने को मिलेगी जिससे आप इसको आराम से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते। तो प्राइस की बात करें तो ये मुझे 300 के अराउंड पड़ा था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे मैं इसके साथ साथ इमेज भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसकी इयरिंग की बात करें तो इयरिंग इसकी काफ़ी छोटी है, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। इसकी इयरिंग जैसी दिखाई थी वैसी एग्जैक्टली नहीं आई है, लेकिन ठीक है फिर भी अच्छी है। ये कुछ इस टाइप की कुछ इयरिंग है इसकी, बहुत ही सुंदर सी इयरिंग है। अगर आप छोटी इयरिंग्स पहनना प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी प्यारा सा ज्वेलरी सेट है, तो मेरे तरफ से तो 100% यस है। आप चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ज्वेलरी। ये कुछ इस तरह की है, कुछ सिल्वर में है ये। ये भी मैंने किसी फंक्शन के लिए मंगवाया था बट मैंने इसको पहना नहीं था, ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो मैं आपको इसको ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ ये किस कितना सुंदर सा कितना प्यारा सा है ये। ये भी आपको इस तरह से चोकर ही देखने को मिलेगा, ये बहुत ही सुंदर सी इसमें आपको लीव्स बनी हुई है और इसमें आपको छोटे छोटे देखिए ऐसे इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं जो इस सेट को और भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना रहा है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न है इसका। अगर आप सिर्फ एक ही सेट पहनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि एक सिंपल सा और शोवर सा चीज़ ये लगेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है गले पे। आप कुछ इस तरह से इसको पहन सकते हैं, किसी भी साड़ी के साथ किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको आराम से वियर कर सकते हैं। इसकी इयररिंग्स की बात कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह की इयररिंग है इसकी, हल्का सा सर्कल टाइप में है ये। मैं आपको एक बार इसको पहन के दिखाती हूँ। ये वाले इयररिंग्स जो है मेरे पता नहीं कहाँ गिर गया, अभी मैंने वीडियो शूट करने के लिए पहना था बट पता नहीं कहाँ गिर गया ये, अभी देख लूँगी मैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपको इसको पहन के दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। प्राइस की बात करें तो इसकी भी प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये भी आपको 200 या 300 के अराउंड मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस जो होगा मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर करूँगी, तब वहाँ से देख लीजिएगा और लिंक आपके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये एक अगेन बहुत ही सुंदर सी एडी की ज्वेलरी है, ये बहुत ही प्यारा सा है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आई थिंक 1100 या 1200 के अराउंड था, प्राइस का थोड़ा सा ज़्यादा है बट बहुत ही प्यारा सा पीस है। आप पहनेंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये। और ये सबसे अच्छी बात है, इन सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी तक आपको दिखाई ये ब्लैक नहीं होंगे, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से इसको पैक करके रखेंगे तो ये आपका लंबे समय तक बहुत अच्छे से चल सकता है। तो यहाँ पे आपको पीछे देखिए एडजस्ट करने को भी मिलेगा, आप इसको आराम से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको टाइट रखना है जितना भी आपको लूज रखना है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है गले पे। इसकी इयरिंग्स तो और भी ज़्यादा प्यारी है, मैं इसकी इयरिंग आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ।
इतनी ज़्यादा सुंदर इसकी इयरिंग भी है, मैं आपको इसके साथ पेयर अप करके पूरा दिखाती हूँ कि कितना प्यारा ये लग रहा था जब मैंने इसको पहना था। अगर मुझे उसकी पिक्चर मिलेगी तो मैं यहाँ कहीं शेयर करूँगी, तो आप इसको देखिएगा। ना मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर की ज्वेलरी है। इसमें आपको नीचे इस तरह के कुछ मोती देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ये बीच बीच में कुछ स्टोन्स लगे हुए हैं। ये आप इसको चोकर की तरह भी पहन सकते हैं, लूज भी पहन सकते हैं। मैंने जब इसको पहना था तो थोड़ा सा लूज करके ही पहना था, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा है। इसके वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर वहाँ पे हैं। इसके मैंने दो शेड मंगवाए थे, एक ये ग्रीन है और एक ये पिंक है इसी का। इयरिंग्स इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और इयरिंग्स मुझे मिल भी नहीं रही, इसलिए मैं इयरिंग नहीं दिखा पाऊँगी। पिक्चर मैं यहाँ शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको जब मैंने परचेस किया था तो आई थिंक मैंने इसको 300 या 250 के अराउंड ऐसे कुछ परचेस किया था, बट अब के टाइम पे इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में आराम से आप इसको पहन सकते हैं, किसी भी साड़ी के साथ इसको पेयर कर सकते हैं आप। इसमें पिंक मोती भी है, ग्रीन है और भी बहुत अलग अलग शेड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही सुंदर सी पिंक कलर की इयरिंग है, झुमके टाइप की। इसे मैंने अपने लहंगे के साथ के लिए मंगवाया था। ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया मंगवाए हुए, मैंने एक दो बार भी ही इसको पहना है। काफ़ी सुंदर सा है ये, आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 200 या 300 के अराउंड है। एग्जैक्ट प्राइस जो होगा यहाँ पे आपको मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और लिंक आप सबको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर सा है, यहाँ पे दो शेड में। इसको हम आई थिंक, मुझे लगता है इसको चांद बाली कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये और पहनने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये पहनने पे। कुछ ये इस तरह का पैटर्न है, आप इसका देख सकते हैं। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अगर चाहिए होगा तो इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये एक अगेन ही बहुत सुंदर सा स्टोन बेस्ड ज्वेलरी सेट है। इसको आप चोकर की तरह भी पहन सकते हैं और जैसे आप इसको थोड़ा सा लूज भी पहन सकते हैं, जो पहनने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा है। इसकी ये आपको कंप्लीट सेट मिलेगा, इसमें आपको इयरिंग भी मिलेगी, इसमें आपको मान टीका भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, आई थिंक 1400 या 1500 के अराउंड ये था। और इसकी इयरिंग की बात करें तो इयरिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी है, बट थोड़ी सी छोटी इयरिंग है इसकी, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की इसकी इयरिंग है, दो इयरिंग है इसमें दोनों कान के लिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का है, आप देखिए। बहुत ज़्यादा सुंदर सा है, मतलब सिंपल और शोवर चीज़ है ये, बहुत ही प्यारी लगने वाली है जब आप इसको पहनने वाले हैं। और ये साथ में मंटिका भी है, ये कुछ इस तरह से लग सकता है। पास दिखाती हूँ आपको, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक आप सबको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये कि बहुत ही सुंदर सी कमर बंद आई थिंक कहते हैं इसको, मैंने ये मंगवाया था अपने लिए। मैंने इसको पहना भी था लेकिन ये मुझसे थोड़ा सा टूट गया। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि ये टूट जाता ही जाता है। मैंने और भी बहुत सारे पहले भी इसको मंगवाए थे लेकिन एक दो बार के बाद ये यूज़ नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन लगा के इसको अटैच किया हुआ जब भी पहनना होगा। एक्चुअली इसके स्टोन्स भी इस साइड में आ गए हैं। ये मैंने बस सिर्फ और सिर्फ बस एक बार ही इसको पहना है, जो काफ़ी सुंदर सा लगता है। किसी भी लहंगे वहंगे के साथ, साड़ी के साथ इसको पहनिए, बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने जब इसको पहना था, अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 200 के अंडर का ही था। लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपसे मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और वन मोर थिंग, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो मैं दोनों की आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।